हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 17 से लेकर 23 जुलाई 2023 का एडिशन। देखेंगे यार कुछ इंपॉर्टेंट राइस हफ्ते, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू, उन्हें भी कवर करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिशन चंद्रयान 3, तो यहाँ से आपके एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसे भी हम साथ में एडिशनली कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, मेक श्योर लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मिशन चंद्रयान 3। मिशन चंद्रयान 3 आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेट। देखिए मिशन चंद्रयान 3 जो है ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। अब ये मिशन चंद्रयान 3 है, इसके पहले दो और चंद्रयान मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 जो लॉन्च किया गया था ये 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 में। तो इनकी भी डेट आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले। बाकी चंद्रयान 3 की तो आपको याद रखनी है 14 जुलाई 2023। अब इसकी लॉन्चिंग जो है ये श्रीहरिकोटा से हुई है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ से लॉन्चिंग हुई है, ये याद रखना है। और इसकी लैंडिंग होगी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। इसकी लैंडिंग का अनुमान लगाया गया कि 23 से लेकर 24 अगस्त के बीच में ये लैंड हो जाएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर ये सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बनेगा। तो अगर सक्सेसफुल लैंडिंग होती है तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी भारत के लिए स्पेस सेक्टर में, एक तरह से इतिहास बनेगा, भारत पहला देश बनेगा विश्व का दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला। इस मिशन का बजट रखा गया है 615 करोड़ रुपये, अमाउंट भी आपको याद रखना है। और ये मिशन आता है स्पेस एजेंसी के अंदर, इसरो के अंदर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में मिशन है, जिसे शॉर्ट में आप इसरो के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय है बेंगलोर में, स्थापना हुई थी 1969 में और प्रेजेंट में यहाँ पे अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी। तो यहाँ से रिलेटेड आपको कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, हर एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। आइए कुछ और एडिशनल पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए इसके लिए एक थीम भी रखी गई है, थीम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। थीम यानी कि विषय है, तो चंद्रयान 3 का थीम है साइंस ऑफ द मून, विषय रखा गया है साइंस ऑफ द मून, जरूर याद रखिएगा। अब देखिए जो चंद्रयान 3 है इसमें तीन भाग हैं, याद रखिएगा तीन भाग हैं। सबसे पहले आता है प्रोपल्शन मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल, फिर इसके बाद है लैंडर मॉड्यूल और फिर है रोवर। अब देखिए ध्यान से सुनिए सबका काम क्या है। तो देखिए सबसे पहले ये जब चंद्रयान मिशन शुरू किया गया तो ये जो रॉकेट लॉन्च किया गया है तो ये किसकी मदद से लॉन्च किया गया है, प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से। यानी जो सबसे पहला काम आता है ये प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम आता है, इसकी मदद से जो रॉकेट है ये स्पेस में जाता है। इसके बाद वहाँ पे ऑर्बिटर का यूज़ होता है, तो देखिए इस मिशन में ऑर्बिटर का यूज़ नहीं किया गया, अलग से लॉन्च नहीं किया गया है, जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। याद रखिएगा इस मिशन में ऑर्बिटर का यूज़ अलग से नहीं किया गया है, जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो चंद्रयान 3 में नहीं प्रेजेंट था, तो ऑर्बिटर का इस्तेमाल जो पहले से चंद्रयान 2 का है उसका किया जाएगा यूज़। इसके बाद आता है लैंडर मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल का यूज़ होगा जो चंद्रमा है वहाँ पे रोवर को सफलतापूर्वक लैंड कराने का काम, उसके बाद वहाँ पे जो भी काम सौंपा गया है उस दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रमा पे जाके डेटा को कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये काम होगा रोवर का। तो इस तरह से ये तीन पार्ट आपको याद रखने हैं। तो देखिए जो लैंडर है, लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम और रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। पिछले टाइम जब चंद्रयान 1 और 2 लॉन्च किए गए थे उनसे भी क्वेश्चन बने थे काफ़ी ज़्यादा और इस साल भी चांसेस हैं हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के। तो लैंडर का नाम याद रखिएगा विक्रम रखा गया है और रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान। यही लॉन्च व्हीकल है LVM3M4, लॉन्च व्हीकल का भी नाम याद रखिएगा LVM3M4। इसे पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। तो GSLV है, इसका फुल फॉर्म होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे शॉर्ट में GSLV कहा जाता है। तो LVM3M4 लॉन्च व्हीकल है जिसे GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। अब जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है इसमें वजन है 2148 किलोग्राम का,
लैंडर मॉड्यूल में वजन है 1732 किलोग्राम का और रोवर है सिर्फ 26 किलोग्राम का। इस पूरे रॉकेट का जो कुल वजन था ये 3.9 टन था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो चंद्रयान 3 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सभी मैंने आपको कवर करा दिए हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे। इसके अलावा इसरो से स्टैटिक अगर क्वेश्चन बनते हैं तो उसे भी आप याद रखिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्लस एडिशनल हम यहाँ पे कुछ नाम और कवर करते हैं जो स्पेस सेक्टर से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जानी जाती हैं, ये है रितु करियल। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं के शिवन। फिर है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं टेसी थॉमस। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं के शिवन। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये इसरो के पहले अध्यक्ष थे। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा विक्रम साराभाई। इसके बाद आते हैं इम्पॉर्टेंट डे की तरफ, जो कि है विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जो कि हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। याद रखिएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। इसके लिए इस साल की थीम रखी गई है अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स टू अनलॉक अवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। काफ़ी लंबी थीम है बट आपको याद रखनी है, एक बार फिर से सुन लीजिए। अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टिंग द वॉइसेस ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स टू अनलॉक अवर वर्ल्ड्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। तो थीम आपको याद रखनी है, डेट ऑफ आपको याद रखनी है। तो 11 जुलाई 1989 को जो संयुक्त राष्ट्र है इन्होंने विश्व जनसंख्या मनाने का निर्णय लिया था, और इसको मनाने के पीछे एम ये था, उद्देश्य ये था कि पूरे विश्व भर में जो जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। उसके बारे में जो जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके बारे में लोगों को उसके दुष्परिणाम बताया जाए, उसके प्रति उन्हें सचेत किया जाए कि जैसे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है तो उससे गरीबी बढ़ेगी, गरीबी होगी, अशिक्षा बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इस तरह से समस्या आ रही है भविष्य में और आगे और भी ज़्यादा आएंगी, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन को शुरू किया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट और याद रखिएगा कि हाल ही में विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन बन गया है? भारत। इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। पहले चाइना सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश था, अब इंडिया सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है, सबसे ऊपर आ गया है। फिर इसके बाद देखते हैं कुछ और करंट अफेयर, जैसे कि हाल ही में जो G20 ग्रुप है इसकी सांस्कृतिक समूह की बैठक हुई और ये संपन्न हुई है कर्नाटक के हम्पी में। इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो G20 है यानी ग्रुप ऑफ 20, इसकी अध्यक्षता इस साल भारत के पास है, इंडिया के पास है G20 की अध्यक्षता। तो हर एक मीटिंग का वेन्यू आपको याद होना चाहिए। तो G20 की जो सांस्कृतिक समूह की बैठक है ये भी कर्नाटक के हम्पी में संपन्न हुई है, ये आपको याद रखना है। स्टैटिक की बात करते हैं तो जो G20 है यहाँ के मेंबर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। G20 यानी कि यहाँ पे 20 देशों का ग्रुप है। देखते हैं कौन कौन से देश हैं, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, UK, US, ये हो गई 19 कंट्रीज़, और इसके साथ ही यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन। तो टोटल 20 हो गए, इसीलिए इसे ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 कहा जाता है। तो कंट्रीज़ के नाम याद कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी PDF आपको ऑनलाइन स्टडी अकेडमी के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, लोकसभा अध्यक्ष हैं हमारे ओम बिड़ला जी, इन्हें अभी हाल ही में मंगोलिया यात्रा पे गए थे, और मंगोलिया यात्रा के दौरान ये मंगोलियाई सांसद ग्रेट खुराल के अध्यक्ष गोम्बो जाविन जनदान शतार के साथ मुलाकात की है। अब यहाँ से क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। किस देश की यात्रा पे गए थे? मंगोलिया। अब मंगोलिया की यात्रा पे गए थे तो मंगोलिया के आपको स्टैटिक याद होने चाहिए, जैसे कि मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया की राजधानी है उलान बातार। राष्ट्रपति हैं उखनागिन खुरेलसुख, और मुद्रा है यहाँ की टोगरोग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, कई बार देखा गया है कि आपसे कोई कंट्री है वहाँ की संसद का नाम पूछ लेता है, तो मंगोलिया की जो संसद है इसका नाम है ग्रेट खुराल। याद रखिएगा, मंगोलिया की संसद है ग्रेट खुराल, और जिनके साथ इनकी मीटिंग हुई है ये ग्रेट खुराल के अध्यक्ष हैं गोम्बो जाविन जनदान शतार। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी है। 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ये बेल आउट कार्यक्रम है जिसको मंजूरी दी गई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से। किस देश को? पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उससे जुड़े जो स्टैटिक पॉइंट है वो, और अमाउंट 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF। इसका जो मुख्यालय है ये है वॉशिंगटन DC में। सदस्यता की बात करें तो 190 देश सदस्य हैं IMF के। इसकी स्थापना की गई थी 1945 में। प्रेजेंट में यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, और पहली DMD यानी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ की गीता गोपीनाथ। तो ये नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा गीता गोपीनाथ का, और MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। फिर यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, तो हाल ही में इन्होंने एक रिपोर्ट में चेतावनी जारी की है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक और फूड आइटम्स जिनका इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं, तो इसमें जो आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ किया जाता है जिसे एस्पार्टेम कहा जाता है, एस्पार्टेम, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि एस्पार्टेम से कैंसर होने का खतरा है। तो हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से। अब बात WHO की हुई है तो इससे रिलेटेड आपको स्टैटिक याद रखना है। देखिए कोई भी आप टॉपिक पढ़ेंगे जिसका भी नाम आएगा, संगठन, देश, स्टेट, कुछ भी, तो आपको उससे जुड़े स्टैटिक हर बार पढ़ते जाने हैं, तो इससे क्या होगा आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको याद रखने में आसानी होगी। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका मुख्यालय है जिनीवा स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 में, और महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम। इसके बाद भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान स्वर्गीय जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम का अवलोकन किया है। कहाँ पे? ग्वालियर में। कौन सा म्यूजियम है? स्वर्गीय जीवाजी राव सिंधिया म्यूजियम। ग्वालियर कहाँ है? ग्वालियर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। CM कौन है? CM है शिवराज सिंह चौहान जी। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको कमेंट बॉक्स में इस क्विज का आंसर देना है कि मध्य प्रदेश के गवर्नर यानी राज्यपाल का नाम क्या है। इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। फिर देखते हैं चर्चा में कौन रहे हैं। तो सबसे पहले हैं न्यायमूर्ति SK सिंह। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आपने सुना होगा NGT, तो यहाँ के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। ये अपने 5 साल के कार्यकाल के बाद अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, और इसके बाद न्यायमूर्ति SK सिंह जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है NGT का। अब NGT आपने सुना होगा, पर ये NGT है क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसकी स्थापना की गई थी 2010 में, और इसका काम क्या होता है? तो भारत में पर्यावरण क्षेत्र से रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी सुनवाई होती है, ये NGT के अंडर में होती है। इसके लिए NGT बनाया गया था 2010 में। तो यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं अभी प्रेजेंट में न्यायमूर्ति SK सिंह। फिर हैं बलतेज सिंह ढिल्लो। ये कनाडा पुलिस में थे, और हाल ही में इन्हें ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में सुरक्षित और स्वास्थ्य कार्यस्थलों का बढ़ावा देने वाली एक एजेंसी में अध्यक्ष बनाया गया है, और वहाँ पे अध्यक्ष बनने वाले ये पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति बने हैं ये वहाँ पे अध्यक्ष बनने वाले। तो इनका नाम आपको याद रखना है बलतेज सिंह ढिल्लो। फिर यहाँ पे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इस तरह से भारत में इसरो है, अमेरिका में नासा है, इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ में यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में इन्होंने सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है। अंतरिक्ष से जुड़ी जो भी गहरी रहस्यमय जानकारी है उसको जुड़ाने के लिए, उसको जुटाने के लिए, उसको डिस्कवर करने के लिए सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। टेलीस्कोप का नाम है यूक्लिड, ठीक है। टेलीस्कोप यूक्लिड लॉन्च किया गया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, जो कि ब्रह्मांड का अब तक का सबसे बड़ा नक्शा तैयार करेगा। अब बात हुई है यूरोपीय स्पेस एजेंसी की, तो इससे भी स्टैटिक याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय है पेरिस में, और अभी यहाँ पे प्रमुख हैं जोसेफ अस्बैचर। तो ये अभी प्रेजेंट में प्रमुख हैं यहाँ के। फिर हैं आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है गिरिजा देवी। हाल ही में इनका 120 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और ये चर्चा में क्यों रही हैं? क्योंकि भारत की सबसे उम्रदराज आयकरदाता थी गिरिजा देवी। हाल ही में 120 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, तो यहाँ से इनका आपको नाम याद रखना है।
फिर है डॉक्टर गिरीश पड़िक्कर, तो भारतीय अमेरिकी शोधकर्ता हैं डॉक्टर गिरीश पड़िक्कर। इनको हाल ही में संरक्षण अनुसंधान में इनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण अनुसंधान पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार का नाम याद रखना है, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण अनुसंधान पुरस्कार है और किसे दिया गया है, डॉक्टर गिरीश पड़िक्कर को। तो दो चीज़ें ये याद रखनी है। इसके बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल हर तरफ चर्चा में यही बना हुआ है। तो हाल ही में विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। आपको वेन्यू याद रखना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये चाइना में आयोजित की गई थी, चीन में आयोजन किया गया था इसका, तो चीन आपको याद रखना है। फिर हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने आर्मी क्वार्टर में मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाल लिया है। तो याद रखना आपको, मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। इसके बाद हैं जोनाथन वेरो, तो फ्रांस के हैं ये जोनाथन वेरो, और जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि अपने पूरे शरीर में आग लगा के दौड़ रहे हैं। तो एक्चुअली में इन्होंने 100 मीटर की दौड़ पूरी की है अपने पूरे शरीर में आग लगा के, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, और सबसे तेज 100 मीटर दौड़ने का इन्होंने नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पूरे शरीर में आग लगा के 100 मीटर दौड़ने का। इन्होंने इस रेस को 17 सेकंड में पूरा किया है, जिसके लिए इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चर्चा में हैं। ये अभी हाल ही में फ्रांस के दौरे पे गए थे और वहाँ पे एलिस पैलेस में आयोजित बेस्टिल डे परेड में ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो याद रखिएगा कि बेस्टिल डे परेड किस देश में होती है, फ्रांस में। ठीक है, यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में कौन गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो 107 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट ने इस परेड में फ्रांसीसी सैनिकों के साथ मार्च किया है। तो याद क्या रखना है, फ्रांस में होती है बेस्टिल डे परेड और मुख्य अतिथि थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और फ्रांस आया है तो स्टैटिक भी याद रखिए, फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। यहाँ पे मुद्रा की बात करते हैं तो दो मुद्राएं हैं, यूरो और सीएफपी फ्रैंक। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। इसी तरह से याद रखिएगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के साथ अभी हाल ही में मालदीव के जो विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, इनके बीच में बैठक हुई थी। कहाँ पे हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, अब भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी और मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, इनके बीच में बैठक हुई थी जहाँ पे दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने ये डिस्कशन किया कि हिंद महासागर का जो क्षेत्र है यहाँ पे स्थिरता कैसे बनाई रखी जा सकती है, शांति और समृद्धि कैसे यहाँ पे कंटिन्यू किया जा सकता है, दोनों देशों के बीच में शांति और समृद्धि बनी रहे क्षेत्र में, इस बारे में डिस्कशन हुआ। दोनों देशों के जो लक्ष्य हैं उस तरह उनको किस तरह से हासिल किया जा सकता है, तो इन सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन हुआ इस बैठक में। मालदीव की बात हुई है तो स्टैटिक में याद रखिएगा, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली, मुद्रा है मालदीवियन रुफिया, और मालदीव की राजधानी है माले। फिर कुछ यहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूज़ देखते हैं, खेल समाचार। यहाँ पे भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन, भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये लक्ष्य सेन। इन्होंने अभी हाल ही में कनाडा ओपन प्रतियोगिता जीती है। कनाडा ओपन प्रतियोगिता याद रखिएगा किस खेल से रिलेटेड है, बैडमिंटन से। तो हाल ही में भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने फाइनल में चाइना के ली शी फेंग को हराकर कनाडा ओपन प्रतियोगिता जीता है। पुरुष एकल की बात हो रही थी ये, ठीक है, मेन सिंगल्स। महिला एकल वर्ग की बात करते हैं तो जापान की अकाने यामागुची हैं, जापान की अकाने यामागुची, इन्होंने थाईलैंड की रतवानोक इंतानोन को हराकर इस प्रतियोगिता को जीता है। तो पुरुष एकल वर्ग में जीते हैं लक्ष्य सेन और महिला एकल वर्ग में जीती हैं अकाने यामागुची। इसके बाद है टेनिस का एक टूर्नामेंट जो कि है मारलोका ओपन। याद रखेगा मारलोका ओपन किस खेल से रिलेटेड प्रतियोगिता है, ये है टेनिस से रिलेटेड। तो भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं यूकी भांभरी, इन्होंने हाल ही में मारलोका ओपन में पुरुष युगल वर्ग में जीत दर्ज की है, यूकी भांभरी, और इनके पार्टनर थे दक्षिण अफ्रीका के लॉयड हैरिस। तो फाइनल में यूकी भांभरी और लॉयड हैरिस की जोड़ी ने रॉबिन हासे और फिलिप ओसवाल्ड की जोड़ी को हराया और मारलोका ओपन पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीत लिया है। इसके बाद यहाँ पे है भारत के युवा तीरंदाज प्रियांश, तो आयरलैंड में आयोजित हुआ था अंडर 21 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप। एक क्वेश्चन ये बन गया कि अंडर 21 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप इस साल का कहाँ पे आयोजित हुआ था,
तो ये हुआ था आयरलैंड में। तो इसी में भारत के युवा तीरंदाज हैं प्रियांश, जिन्हें आप पिक्चर में देख रहे हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है वहाँ पे। फिर यहाँ पे क्रिकेट से न्यूज़ है, तो हाल ही में BCCI जो कि भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, तो इन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त कर दिया है। तो अब अजीत अगरकर जो हैं ये भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य चयनकर्ता बन गए हैं। इन्होंने चेतन शर्मा की जगह ली है, पहले चेतन शर्मा मुख्य चयनकर्ता थे और अब अजीत अगरकर मुख्य चयनकर्ता बन गए हैं। इसके बाद फुटबॉल से न्यूज़ है, बार्सिलोना और स्पेन के लिए खेलते थे सेस्क फब्रेगास, ये पूर्व मिडफील्डर रह चुके हैं स्पेन के लिए भी और बार्सिलोना के लिए भी। तो सेस्क फब्रेगास हैं ये, और हाल ही में इन्होंने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देख लेते हैं। सबसे पहले खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। फिर है, इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का मुख्यालय किस देश में है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। फिर है, ओलंपिक खेलों में भारत के लिए टेनिस में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? ओलंपिक खेलों की बात हो रही है, पहले खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस। फिर है, हाल ही में किसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच बनाया गया है? तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं ग्रांट ब्रेडबर्न। फिर है, इस वर्ष किस क्लब ने कोपा डेल रे का खिताब जीता है? देखिए कोपा डेल रे ये फुटबॉल की प्रतियोगिता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था कुछ पिछले एडिशन में किसी में। तो देखिए कोपा डेल रे जो कि फुटबॉल की प्रतियोगिता है, इस साल जीता है रियल मैड्रिड ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन सिंह भुल्लर ये किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी हैं मिक्स्ड मार्शल आर्ट के। फिर इस वर्ष किस रेसर ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है? तो ये है मैक्स वर्स्टैपेन। फिर वनडे क्रिकेट में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड किस देश के नाम है? तो ये रिकॉर्ड है भारत के नाम, भारत ने रनों के लिहाज से वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, और ये किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है क्रिकेट से। फिर अब वर्ष 2023 में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी किस देश को मिली है? तो ये मेज़बानी मिली है भारत को। फिर अगला क्वेश्चन, बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलते हैं, तो इन्हें किस वर्ष ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था? तो इन्हें वर्ष 2019 में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था। फिर आपको बताना है, आमतौर पर ओलंपिक खेल जो है इनका आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है ये 4 वर्ष के अंतराल में होता है। फिर बताना है, कोलिन मोरिकोवा ये किस देश के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं? तो ये गोल्फ खेलते हैं अमेरिका के लिए। फिर है, किंग्स कप ये किस खेल से संबंधित एक प्रतियोगिता है? तो किंग्स कप ये रिलेटेड है फुटबॉल से। फिर है, फुटबॉल की वैश्विक संस्था है फीफा, फीफा के वर्तमान में प्रमुख कौन है ये बताना है? तो फीफा के वर्तमान में प्रमुख हैं जियानी इन्फेंटिनो। फिर है, भारतीय पहलवान साक्षी मलिक इन्होंने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? तो इन्होंने 2016 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। फिर नेक्स्ट है, चेन्नई सुपर किंग्स ने कितनी बार IPL का खिताब जीता है? तो इन्होंने 5 बार IPL का खिताब जीता है। याद रखिएगा 2023 यानी इस साल भी चेन्नई सुपर किंग्स ने ही इस टूर्नामेंट को जीता है। फिर है, बेसबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। फिर इस वर्ष फीफा क्लब वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा सऊदी अरब में। अब कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप की बात हो रही है। जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कतर में। ये भी इम्पोर्टेंट था, क्यों? क्योंकि कतर पहला अरब देश बना था फीफा विश्व कप की मेज़बानी करने वाला। फिर इस वर्ष वर्ल्ड एक्वाटिक चैम्पियनशिप किस देश में आयोजित की जा रही है? तो ये प्रतियोगिता इस साल आयोजित की जा रही है जापान में। फिर यहाँ पे सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन इन्हें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। फिर मध्य प्रदेश की खिलाड़ी अचिता सेवली ये किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है वेट लिफ्टिंग से।
इराक बताना, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? तो इस साल यानी वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। फिर आपको बताना है, एक ऐप है अनमोल ऐप, इसका संबंध किससे है? तो अनमोल ऐप का संबंध है गर्भवती महिलाओं से, इनके लिए लॉन्च की गई थी ये ऐप। फिर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वेटलैंड रामसर साइट के अंतर्गत नहीं आता है? तो शिवपुर वेटलैंड है, यशवंत सागर है, सांग सागर है, जो माधव सागर है ये वेटलैंड रामसर साइट के अंतर्गत नहीं आता है। फिर है 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में कौन सम्मिलित हुए? तो अतिथि थे श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको बताना है लेंज नियम यानी लेंज लॉ ये किसके लिए आवश्यक है? तो ये ऊर्जा के संरक्षण के लिए आवश्यक है। फिर आपको बताना पंख अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2021 में। फिर है निम्न में पास विकृत तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है पवासों का अनुपात। फिर आपको बताना उन्मीलन का विलोम क्या होगा? तो उन्मीलन का विलोम होगा निमीलन। फिर विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेगा, हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर है परिषद और परिषिक्त, इस शब्द युग्म का जो सही अर्थ है वो क्या होगा? तो परिषद का मतलब होता है परिषद का सदस्य, और परिषिक्त का मतलब होता है सींचा गया। फिर आपको बताना संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन वर्णित है? तो संविधान के अनुच्छेद 243 सी में वर्णित है पंचायतों का गठन। नेक्स्ट है CDRW का फुल फॉर्म क्या है? तो CD का हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW मतलब रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल फुल फॉर्म होता है CDRW का। फिर है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? अगर क्षेत्रफल के अनुसार बात की जाए तो ये जिला है उज्जैन। फिर है एक जिला एक उत्पाद के तहत मंदसौर में से किसे चुना गया है? तो मंदसौर से चुना गया है लहसुन। फिर है राक्षस भुवन की संधि किसके मध्य हुई थी? तो ये संधि हुई थी मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच, ठीक है, मराठा और हैदराबाद के निजाम इसका राइट आंसर होगा। फिर है सोडियम के किस यौगिक को हाइपो के नाम से जाना जाता है? तो ये है सोडियम थायलोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट इसे हाइपो के नाम से जाना जाता है। फिर है किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ इंसिपिड्स नामक रोग होता है? डायबिटीज़ इंसिपिड्स ये होता है वेसोप्रेसिन की कमी से। फिर है पायका योजना, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो पायका योजना का संबंध है खेल के क्षेत्र से। फिर हिंदी साहित्य के कुछ क्वेश्चन हैं, इन्हें भी देख लेते हैं लास्ट में। सबसे पहले है रस कलश, ये किसकी रचना है? तो ये रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध की। फिर आपको बताना है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ है? तो ये हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। नेक्स्ट है गोदान किसकी कृति है? तो ये कृति है मुंशी प्रेमचंद्र जी की। फिर एक कविता है जो कि है कुकुरमुत्ता, आपको बताना किस कवि ने लिखी है ये? तो ये लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। फिर है सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना हेतु इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सुमित्रा नंद पंत को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है डॉक्टर धर्मवीर भारती किस सामाहिक के संपादक थे? तो ये संपादक थे धर्मयुग के। फिर है छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है तोड़नी पत्थर, ये कविता है, इसके कवि कौन है? इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो ये हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। फिर है शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन थे? तो ये रचनाकार थे बालमुकुंद गुप्त जी। फिर है कामायनी, ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये एक महाकाव्य है। फिर एक उपन्यास है सर्कस, इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं संजीव। फिर है अरे यायावर रहेगा याद, ये किसके द्वारा रचित एक यात्रा वृत्त है? तो ये अज्ञेय है। फिर एक कहानी है पंच परमेश्वर, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक कौन हैं? तो पंच परमेश्वर आपने पढ़ा होगा कई बार, और ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है, इसके लेखक हैं
मुंशी प्रेमचंद्र जी। फिर है कलम का सिपाही, ये क्या है? तो कलम का सिपाही एक जीवनी है। फिर है काशी में हम प्रकट भय रामनंद चेताए, ये किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति दी गई है कबीरदास जी के द्वारा। नेक्स्ट है अनुमतिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? तो ये हैं भरत मुनि। फिर है मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत क्या है? तो ये एक रूपक काव्य है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो ये हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। लास्ट क्वेश्चन है ललित ललाम, ये किसका ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ है मतीराम का। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको सेशन यूजफुल लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे अगला वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसकी PDF आपको बता दिया मैंने, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF के अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन है उसकी PDF मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर है, वो कैब है, GK है, और जो भी जॉब अलर्ट्स हैं सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। तो मेक श्योर वहाँ ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा चैनल पे प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट मैगज़ीन है, ये है प्रतियोगिता दर्पण, इसका भी एनालिसिस अवेलेबल है, उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा प्लेलिस्ट में जाके। अगस्त 2023 की अवेलेबल हो चुकी है सीरीज़, 2 पार्ट आ चुके हैं, वीडियो ज़रूर चेकआउट करिएगा, और पिछले पास्ट के मंथ्स के भी हैं, उन्हें भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अंक के प्रकाशन बाद अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।